बेगूसराय में अब अपराधी बिल्कुल ही बेखौफ हो चुके हैं। अब पुलिस टीम पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सदर अनुमंडल क्षेत्र के मटियानी थाना अंतर्गत खोरमपुर गांव में, जहां बीती रात छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों एवं उनके परिजनों ने हमला कर दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ किसी तरह अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल बीती रात मटियानी थाने की पुलिस आर्म्स एक्ट के आरोपी अशोक यादव को पकड़ने के लिए खोरमपुर गांव पहुंची थी, जहां पुलिस के द्वारा अशोक यादव को एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इतने में ही आरोपी के सहयोगी एवं परिजन जमा होने लगे और लाठी डंडों से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष परशुराम सिंह को गंभीर चोटें आई एवं संतोष कुमार तथा मुकेश सिंह भी चोटिल हो गए। आरोपी के परिजनों के द्वारा अशोक यादव को छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए किसी तरह अशोक यादव को गिरफ्तार कर घटनास्थल से लेकर थाने चली आई। फिलहाल पुलिस के द्वारा अशोक यादव एवं अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रवि शंकर गन की रिपोर्ट। हम लोग अभियुक्त को पकड़ने गए थे, उसी को बचाने में कुछ महिला लोग को बोला कि मारो मारो चोर है चोर है, तो हम लोग बोले कि सिपाही हम लोग और ये अभियुक्त है, इसको ले जाने दिया जाए। उसके बाद वो लोग लगातार मारना चालू कर दिए। यही घटना वहाँ से होती थी। महिला 5 से 6 महिला थे, 4-5 पुरुष और बहुत से अगल बगल में आदमी थे। घटना घटी, हम लोग यहाँ से गए उसको बाइक से पकड़ने के लिए और थाना प्रभारी के साथ है 2 फोर्स भी गया था, एक चौकीदार भी था, एक और मुंशी जी भी थे। वहाँ गए, उसको वारंट था पकड़ने के लिए, उसको हम लोग पकड़ के लेकर आ रहे थे तो पूरा मेहरानू जुट गई और डांटा से माने उसको लगा हम लोग के ऊपर डांटा ताना, फिर मारने भी लगा डांटा से। हम लोग बीच बचाव करके एक आदमी को पकड़ के लेके आए, उसमें भी हम लोग का चोट वोट लगा, टोटल आदमी 4 आदमी घायल हुए। पहले तो थाना प्रभारी, उसके बाद हम लोग के ऊपर और एक चौकीदार के ऊपर। उसका कोई केस था, हथियार हथियार का कोई केस था।